हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी कायदान को, जो 1964 में रिलीज हुई है। ये एक हॉरर ड्रामा मूवी है। ये जापानीज की एक अमेजिंग मूवी है। कायदान का मतलब है गोस्ट स्टोरीज। ये एक एंथोलॉजी मूवी है जिसमें हमें चार अलग अलग स्टोरीज दिखाई गई है जो की एक दूसरे से लिंक्ड नहीं। दोस्तों, मैंने इसकी थर्ड स्टोरी होइची द एयरलेस को भी एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उसे देखना ना भूलिएगा। और आप बिना टाइम को वेस्ट के चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। फोर्थ स्टोरी का टाइटल है इन अ कप ऑफ टी। इस मूवी के स्टार्ट में हम एयर 1900 देखते हैं, जहां हमें एक राइटर नरेट करके बता रहा होता है कि ओल्ड जापानीज बुक में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि मुकम्मल नहीं, और उनके नामुकम्मल होने की वजह क्या हो सकती है। फर्स्ट, कि राइटर लेजी था। सेकंड, उसके अपने पब्लिशर से झगड़ा हो गया हो जिसकी वजह से वो मुकम्मल नहीं। थर्ड, उसे उसकी टेबल से किसी काम की वजह से दूर बुला लिया हो और वो कभी वापस ना आ पाया हो। या फोर्थ, शायद मौत की वजह से वो कहानी मुकम्मल ना कर पाया हो। कोई भी इंसान पता नहीं लगा सकता कि उनके साथ क्या हुआ होगा। ऐसे ही एक एग्जांपल वो राइटर हमें बताता है कि 200 साल पहले न्यू ईयर का पहला दिन था। लॉर्ड साडू, जो कि वहां का राजा था, वो अपने लोगों के हाल चाल देखने के लिए शहर में आए होते हैं, और वो वहां के एक टेम्पल में आराम के लिए रुकते हैं, और उनके साथ काफी समुराई भी थे। उनमें से एक समुराई जिसका नाम कन्नई था, प्यास लगने पर पानी पीने के लिए जाता है। बाल्टी में से जब वो एक कप में पानी भरकर पीने जा रहा था, उसे उस पानी में एक दूसरे आदमी का चेहरा दिख रहा था। वो आसपास देखता है कि शायद किसी का अक्स आ रहा हो पानी में, लेकिन वहां उसके अलावा कोई नहीं खड़ा होता। जिस पर कन्नई उस कप के पानी को फेंक कर उस कप को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। फिर वो उस कप को रख कर एक दूसरे कप में पानी भर लेता है, लेकिन इस बार भी उसे कप में उसी आदमी का चेहरा दिखाई देता है, और इस बार वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, जैसे वो उसे चिढ़ा रहा हो। कन्नई गुस्से में आकर उस कप को तोड़ देता है और फिर एक तीसरे कप में पानी भर लेता है, लेकिन इस बार भी उसे वही चेहरा दिखाई देता है। लेकिन अब कन्नई गुस्से में उस पानी को पी लेता है, और पीने के बाद वो कुछ सोचने लगता है। रात में कन्नई अपनी तनियत की जगह पर रखवाली के लिए खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद उस कमरे के कोने से एक आदमी बाहर आता है। समुराई उसे देखकर अपनी तलवार पर हाथ रखता है और उस आदमी से पूछता है कि वो कौन है। जिस पर कोने में खड़ा आदमी कहता है कि आज सुबह ही तो हमारी पहली बार मुलाकात हुई थी। मेरा नाम शिकिबू हेनाई है। समुराई अब सोच में पड़ जाता है और उसे याद आता है कि ये वही आदमी था जिसका चेहरा उसे सुबह कप में दिखाई देता है, लेकिन वो उसे पहचानने से मना कर देता है और उस आदमी से पूछता है कि वो अंदर कैसे आया। जिस पर वो आदमी समुराई पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुमने मुझे सुबह लगभग मार ही दिया था, और तुम कहते हो कि तुम मुझे भूल गए। समुराई अब तलवार निकालकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन हेनाई वहां से गायब हो जाता है। फिर समुराई हेनाई को खुद के पीछे देखता है। समुराई उस पर वापस से हमला करता है और इस बार वो उसे जख्मी कर देता है। समुराई अब पीछे पलट कर देखता है कि हेनाई दीवार के आर पर चला गया है। अब वो कमरे के आसपास भी देखता है, लेकिन वो उसे दिखाई नहीं देता। फिर वो दूसरों को वार्न करता है कि यहाँ एक अजनबी घुस आया है। फिर सारे समुराई उसे ढूंढने लगते हैं। तभी एक समुराई कन्नई को बताता है कि गार्ड्स ने किसी को भी टेंपल के अंदर आते और जाते हुए नहीं देखा। कन्नई बताता है कि मैंने देखा है उसे, और उसे जख्मी भी कर दिया था मैंने। फिर वो दीवार के पार चला गया। फिर सभी समुराई ये सुनकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि उसने कोई ख्वाब देखा होगा। फिर अगले दिन कन्नई अपने ड्यूटी से ऑफ लेता है ताकि वो आराम से सो सके। लेकिन तभी एक सर्वेंट आता है और कन्नई से कहता है कि आपसे कोई मिलने आया है। कन्नई कहता है कि इतनी रात में कौन मिलने आ सकता है। वो सर्वेंट से पूछता है कि तुमने उनसे पूछा नहीं वो कौन है। तो सर्वेंट बताता है कि वो कह रहे हैं कि आपसे कोई बात करनी है, और वो तीन लोग हैं। अब कन्नई अपनी तलवार लिए उसे मिलने चला जाता है। उनमें से एक बताता है कि हम मास्टर शिकिबू हेनाई का पैगाम लाए हैं आपके लिए। कल रात जब वो तुमसे मिलने आए थे, तब तुम्हारी तलवार की वार से वो जख्मी हो गए थे। जब वो ठीक हो जाएंगे, तब वो अपना बदला लेने वापस आएंगे। ये सुनकर कन्नई को गुस्सा आ जाता है और वो तलवार निकालकर उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो तीनों भी हवा में गायब हो जाते हैं। कन्नई उन्हें ढूंढने लगता है तो वो तीनों उसे वहीं खड़े मिलते हैं। अब जब भी वो उन पर हमला करता, वो ऐसे ही गायब होते रहते। कन्नई अब गुस्से से पागल हो जाता है और किसी भी तरह करके उन तीनों को एक एक करके मार गिराता है, और फिर वो एक जगह खड़ा हंसने लगता है। और हम देखते हैं कि उन तीनों में से एक की भी लाश वहां नहीं होती, और तभी वो तीनों फिर से उसके सामने आ जाते हैं। समुराई ये देखकर पूरी तरह पागल हो जाता है और बस हंसते ही जा रहा था।
इसके बाद क्या होता है हमें पता नहीं चलता और कहानी यहीं पर रुक जाती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं उसी राइटर की तरफ जिससे मिलने उसका पब्लिशर आया होता है। राइटर की वाइफ उसे बताती है कि वो पूरा दिन लिख ही रहे थे, मैंने उन्हें बाहर निकलते हुए नहीं देखा। तभी वो देखती है कि राइटर वहाँ नहीं है, तो वो पब्लिशर से कहती है कि आप वेट करें, वो यहीं कहीं होंगे। अब पब्लिशर अंदर आ जाता है और राइटर की लिखी कहानी पढ़ने लगता है, जिसमें वो एंड में लिखता है कि इस कहानी की एंडिंग कई तरह से हो सकती है, लेकिन मैं इसकी एंडिंग आपकी इमेजिनेशन पर छोड़ता हूँ कि आप कैसी एंडिंग सोचते हैं। तभी उसे बाहर से राइटर की वाइफ की चीखने की आवाज सुनाई देती है। पब्लिशर बाहर आकर देखते हैं तो वो राइटर की वाइफ बहुत डरी हुई होती है और वो एक बाल्टी की तरफ इशारा करके वहां से भाग जाती है। पब्लिशर भी डरते हुए उस बाल्टी में देखता है तो वो भी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। और हम देखते हैं कि वो राइटर उस बाल्टी में फंसा होता है, यानी कि वो अपनी ही कहानी के जाल में फंस गया था। और इसी के साथ ये स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कायदान मूवी की चौथी स्टोरी इन अ कप ऑफ टी की एक्सप्लेनेशन, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। इसमें हमने एक समुराई की नामुकम्मल कहानी देखी जो कि अपने कप में एक नामालूम आदमी का चेहरा देखता है और बाद में वो उसे जख्मी कर देता है और वो गायब हो जाता है। और बाद में वो समुराई उस आदमी के अजीब सर्वेंट से भी लड़ता है और तभी राइटर स्टोरी सुनाना छोड़ देता है। फिर तभी उस राइटर का पब्लिशर उससे मिलने आता है और देखता है कि राइटर की रूह उस पानी में फंस गई है। इस स्टोरी में राइटर पुरानी कहानियों को नामुकम्मल होने पर गिला करता है और एंड में खुद ही उन कहानियों का हिस्सा बनकर रह जाता है और आगे की कहानी हमारे खुद की इमेजिनेशन पर छोड़ जाता है। दोस्तों, कायदान मूवी देखते हुए आपको अंदाजा हो जाएगा कि हॉरर के लिए जंप स्केयर्स जरूरी नहीं, बल्कि उसके बगैर भी हॉरर मूवी बन सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।